अब मैंने उससे मिलने की उम्मीद ही छोड़ी है, उसने बेहतर होने की उम्मीद ही छोड़ी है, उसने इंग्लिश सीखने की उम्मीद ही छोड़ी है, तुमने उसे हासिल करने की उम्मीद ही छोड़ी है। माय डियर व्यूअर्स, इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डेली लाइफ में ज़रूर बोलते या दूसरों से सुनते हैं। ऐसे जुमले स्पोकन इंग्लिश के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, और ऐसे जुमले सीखने के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है, इस स्ट्रक्चर को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। स्ट्रक्चर इंतहाई आसान सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लॉस्ट होप प्लस टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लॉस्ट होप प्लस टू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। अब मैंने उससे मिलने की उम्मीद ही छोड़ी है। अब मैंने उससे मिलने की उम्मीद ही छोड़ी है। I lost my hope to meet him. No. I lost my hope to meet him. No. उसने बेहतर होने की उम्मीद ही छोड़ी है। उसने बेहतर होने की उम्मीद ही छोड़ी है। He lost his hope to get better. He lost his hope to get better. उसने इंग्लिश सीखने की उम्मीद ही छोड़ी है। उसने इंग्लिश सीखने की उम्मीद ही छोड़ी है। He lost hope to learn English. He lost hope to learn English. तुमने उसे हासिल करने की उम्मीद ही छोड़ी है। तुमने उसे हासिल करने की उम्मीद ही छोड़ी है। You lost your hope to get him. You lost your hope to get him. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए इसका जवाब ज़रूर देना। उसने कामयाब होने की उम्मीद ही छोड़ी है। उसने कामयाब होने की उम्मीद ही छोड़ी है। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मदना।